गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने किया था एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट, जिसके अंदर हमने ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोज क्या है, कुछ प्रॉपर्टियां जैसे ऐड करते हैं तो ट्रांसपोज में क्या चेंज आता है क्या नहीं आता है। आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन ही होगा, तो आप साथ के साथ अपना काम करते रहें और अपनी तैयारी रखें। तो अब आ जाता है बेटा सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक। लास्ट एक्सरसाइज जिसमें सिमेट्रिक क्या है स्क्यूसिमेट्रिक क्या है, तो वो देखिए सिमेट्रिक, अगर हम किसी मैट्रिक्स का अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़े, अगर ट्रांसपोज करें किसी का और वो आंसर सेम मैट्रिक्स इट सेल्फ के इक्वल आए तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांसपोज क्या आए इक्वल आए तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आए इट सेल्फ कोई चेंज ना आए तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज करने के बाद उसके आगे नेगेटिव लग जाए तो वो होगा स्क्यूसिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि सिमेट्रिक क्या है स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन आपको 2x2 ऑर्डर में, क्या बेटा 2x2 ऑर्डर में 2, 4, 5, 6। प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, यानी कि इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास यही मैट्रिक्स आई इट सेल्फ, ये मैट्रिक्स आप। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात है, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है जब प्लस की बात आ रही है, तो जो प्लस करने के बाद जो आंसर, देखिए मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले प्लस करते हैं हम ए प्लस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज क्या है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 2, 4, 5, 6। ठीक है बेटा, तो अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं 2, 4, 5, 6 प्लस 2, 5, 4, 6, तो क्या आया हमारे पास 2 और 2, 4, 5 प्लस 4, 9, 5 प्लस 4, 9, 6 प्लस 6, 12। अब ये देखिए, अब ये चीज़ क्लियर हो जाती है हर बच्चे को, अगर ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का सेम वही आए तो वो सिमेट्रिक होता है। वो क्या होता है आपका सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इन दोनों को ऐड किया तो ये एक मैट्रिक्स आ गया, यानी कि ये एक अकेला ए है, इसका ट्रांसपोज करें तो आंसर क्या आता है वो देखिए। तो क्या किया हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या आया 4, 9, 9, 12 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 9, 12 किसके इक्वल आया ए प्लस ए ट्रांसपोज, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि अगर जो भी हमें ट्रांसपोज करना है जिस भी मैट्रिक्स का, उसका ट्रांसपोज होने के बाद आंसर में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि ट्रांसपोज से पहले भी वही था, ट्रांसपोज होने के बाद भी वही मैट्रिक्स आते हैं, तो कोई भी चेंज नहीं होता, तो वो होता है सिमेट्रिक। अब किसी का ट्रांसपोज किया आंसर वही आया, अब ये चीज़ था तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो सेम आंसर वही आने, तो इसको हमने सोल्व किया तो आया तो मैट्रिक्स ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज किया तो आया तो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम यही आ जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक क्लियर हो गया बेटा आपको, सिमेट्रिक क्या है। इसी तरह हम 3x3 ऑर्डर में करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। अब स्क्यू सिमेट्रिक और देख लेते हैं, शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्या समझे। ठीक है, देखिए ए मैट्रिक्स फिर है हमारे पास, ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर में, सेकंड क्वेश्चन 1, 4, 3, 7 इसका फिर ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं क्या आएगा 1, 4, 3, 7। ठीक है बच्चों, अब क्या है अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं
यानी कि जो आंसर आएगा, जैसे ये आया एक मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज करेंगे, अगर नेगेटिव में आता है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक आपको पता है नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है, इसका ट्रांसपोज जो है वो ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसमें माइनस कॉमन आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको वेरीफाई करना है अब हमें, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फिर हम वही करते हैं, क्या ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए क्या है हमारे पास, ए 1 4 3 7 माइनस ए ट्रांसपोज 1 3 4 7, ठीक, तो माइनस करते हैं तो क्या आते हैं 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 7 माइनस 7 0, 7 ठीक है बच्चों। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका क्या करें ट्रांसपोज, तो क्या आएगा वो देखिए, सॉरी ये गलत हो चुके हैं, 4 माइनस 3 प्लस का 1। अब इनका ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या आते हैं, इसका ट्रांसपोज 0 माइनस 1 1 0, फर्क क्या है इसमें और इसमें, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, यही फर्क है माइनस प्लस का, तो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो क्या आया 0, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये इक्वल टू किसके आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। एक बार दोबारा देख लो क्या है बेटा, हमारे पास आज का टॉपिक है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं आंसर वही का वही आए तो वो होगा सिमेट्रिक, अगर किसी का ट्रांसपोज करते हैं वो नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ अपने आप का नेगेटिव आए तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास ए मैट्रिक्स था, ए ट्रांसपोज निकाला, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो आपको पता है कि इस पूरे का ट्रांसपोज करें और इसके इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक की कंडीशन ये, तो इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं सेम वही मैट्रिक्स आए तो सिमेट्रिक, किसी का ट्रांसपोज करते हैं और नेगेटिव आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है बेटा। अब हमें क्या कहना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बोलते हैं कि एक मैट्रिक्स है, चलो इसको रफ कर लेते हैं, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में अभी हम कर रहे हैं। सिमेट्रिक में क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसके आंसर में कोई भी चेंज ना आए, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाए और वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक होता है, और अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और डिफरेंस आता है माइनस का, यानी कि माइनस कॉमन लेते हैं और सिमेट्रिक के इक्वल स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल होगा। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं ए मैट्रिक्स है 2×3 ऑर्डर में, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2×3 ऑर्डर में, क्या है 3 1 -1 0 1 2, आपको क्या प्रूव करना है, शो करना है आपको ए ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए बोथ सिमेट्रिक, बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यानी कि अब सीधी सी बात है क्या कि अगर हम ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज करें आंसर ए ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है जिस भी ऑर्डर में जैसा भी है उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं सेम आंसर वही आए तो वो सिमेट्रिक है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज करें, पहले ए ट्रांसपोज क्या होएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट,
थ्री वन माइनस वन जीरो वन टू। अब हम ये निकालते हैं ए ए ट्रांसपोज। ए क्या बेटा हमारे पास थ्री वन माइनस वन जीरो वन टू, थ्री वन माइनस वन जीरो वन टू। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे इस रो की इससे करेंगे, थ्री थ्री जी नाइन प्लस वन प्लस वन जीरो प्लस वन माइनस टू, जीरो प्लस वन माइनस टू जीरो प्लस वन प्लस फोर। तो क्या आ गया, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस वन इलेवन, वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस टू माइनस वन, फोर प्लस वन फाइव। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, शो दैट क्या है कि इसका ट्रांसपोज करते हैं सेम यही आता है। तो हम ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, क्या ए ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, इलेवन माइनस वन माइनस वन फाइव का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किया तो इस रो को उठा के कॉलम में कन्वर्ट किया, क्या इलेवन माइनस वन माइनस वन फाइव। ठीक है बेटा, तो ये किसके इक्वल आया, इसके, यानी कि हमने इसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आया, ए इंटू में ए ट्रांसपोज, ए इंटू में ए ट्रांसपोज। सेम कंडीशन, ए ट्रांसपोज इंटू ए करोगे तो आपको वेरीफाई फिर क्या करना है, ये आप खुद ट्राई करोगे। ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करें तो क्या आता है, ए ट्रांसपोज इंटू ए आता है या नहीं आता है वो शो करना है आपको, सिमेट्रिक है या नहीं इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। यानी कि सीधी सी बात क्या हुई, अगर हम ए इंटू ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज सेम यही आता है तो हमारे पास सिमेट्रिक है, चाहे वो मल्टीप्लाई में है, चाहे वो प्लस में है, चाहे वो माइनस के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, द मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है बेटा आपको, थ्री इंटू थ्री ऑर्डर में है, जीरो वन माइनस टू जीरो वन माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री एक्स माइनस थ्री जीरो। स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार, जीरो वन माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री एक्स माइनस थ्री जीरो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी। स्क्यू सिमेट्रिक कभी बताया था मैंने आपको, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल होएगा, उसके नेगेटिव के। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वो उसके माइनस के इक्वल हो। तो कंडीशन यही अप्लाई करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम। ट्रांसपोज क्या आया बेटा, रो को कॉलम में कन्वर्ट, जीरो वन माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री एक्स माइनस थ्री जीरो। तो अब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है आपको, ये क्या है आपको गिवन। तो ए ट्रांसपोज क्या है, जीरो माइनस वन एक्स माइनस वन जीरो थ्री एक्स, सॉरी मैंने ये लिख दिया, तो हमें लिखना था ये जीरो माइनस वन एक्स वन जीरो माइनस थ्री माइनस टू थ्री जीरो इक्वल टू माइनस ए के, जीरो वन माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री एक्स माइनस थ्री जीरो। तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट को, जीरो माइनस वन एक्स वन जीरो माइनस थ्री माइनस टू थ्री जीरो। तो माइनस मल्टीप्लाई करें, सारे साइन चेंज हुए, जीरो को कोई चेंज नहीं होता, माइनस वन प्लस का टू हो जाएगा, वन जीरो माइनस थ्री माइनस एक्स थ्री जीरो। तो आपको बता रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे, यहाँ पे एक्स है यहाँ टू, तो एक्स इक्वल टू टू। दूसरा वेरीफाई और कर लेते हैं, तो यहाँ क्या है, माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इक्वल टू क्या है बेटा टू, x की वैल्यू क्या है हमारे पास टू। तो ये हमारे पास गिवन था कि एक मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उससे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने किया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखते हैं क्या है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आपको
दो ही बातें ध्यान रखनी है। सिमेट्रिक में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो उस मैट्रिक्स के अंदर जो आंसर आता है ट्रांसपोज करने के बाद वो इट सेल्फ आ जाता है, मैट्रिक्स खुद आ जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद जिस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता, सेम वही रहता है, वो सिमेट्रिक होता है। और ट्रांसपोज करने के बाद जो चेंज आता है वो माइनस का आता हो तो वो होता है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या है, अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स इज एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक लेट कर लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स है, इसके तीन चार पार्ट है बेटा, आप खुद ट्राई करोगे, थोड़ा देख लो। मेथड मैं आपको बता देता हूँ, मेथड क्या है, 3-4, 1-1। तो आपको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ए मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज। यानी कि ये बोल रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको इसको सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम ये कर चुके हैं, a प्लस a ट्रांसपोज करते हैं सिमेट्रिक आते हैं, a माइनस a ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, स्क्यूसिमेट्रिक। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ की थी, सेकंड के अंदर ये की थी। अब हम इसको ये क्यों कर रहे हैं, थोड़ा मैं इसको वेरीफाई करवा देता हूँ। देखिए, इसी को सोल्व कर रहे हैं, 1/2 a, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1/2 a प्लस 1/2 a ट्रांसपोज, नेक्स्ट 1/2 से करेंगे 1/2 a माइनस 1/2 a ट्रांसपोज। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 a ये, 1/2 a a, यानी कि a को हम ये लिख सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक को शो करता है और ये बेटा स्क्यूसिमेट्रिक की फॉर्म को शो करता है। तो हमें सम बताना है इनका सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक की फॉर्म में। तो हम निकाल लेते हैं a प्लस a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज पहले कर लेते हैं, a ट्रांसपोज क्या हुआ, 3-4, 1-1, ठीक है। तो a क्या है हमारे पास, 3-4, 1-1, नेक्स्ट क्या बेटा, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आया 3-1-4-1। इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो क्या आता है, 3+3, 6, -4+1, -3, 1-4, -1, -1, -2, ठीक है। तो हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या हुआ, अब इसका 1/2 और निकाल लेते हैं, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज क्या हुआ, 2-3, -3/2, -3/2, -1, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि इसका अगर हम स्क्यूसिमेट्रिक में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, स्क्यूसिमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस a ट्रांसपोज। a क्या बेटा हमारे पास, 3-4, 1-1, ट्रांसपोज में 3-1-4-1, तो क्या आया, 3-3, 0, -4, -1, -5, 1+4, 5, -1+1, 0। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना इसके डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो जीरो मिलेंगे। तो क्या है, 1/2 a - a ट्रांसपोज, तो 1/2 करेंगे तो क्या आया, 0-5/2, 5/2, 0। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो a मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 a + a ट्रांसपोज, 3-3/2, -3/2, -1 + 1/2 a - a ट्रांसपोज, 0-5/2, 5/2, 0। तो क्या था, एक बार दोबारा देखिए, बोला गया आपको कि एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये पहले क्वेश्चन में हमने किया कि a प्लस a ट्रांसपोज होता है वो सिमेट्रिक होता है, और a माइनस a ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यूसिमेट्रिक। तो हमने a प्लस a ट्रांसपोज निकाला, उसका हाफ किया, a माइनस a ट्रांसपोज निकाला, उसका हाफ किया, तो ये सिमेट्रिक की फॉर्म है। यानी कि एक मैट्रिक्स की ये सिमेट्रिक फॉर्म है, इसी मैट्रिक्स की, जो ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स की ये सिमेट्रिक फॉर्म है और ये स्क्यूसिमेट्रिक फॉर्म है। तो इसमें तकरीबन 5 पार्ट दे रखे हैं,
तो 2 into 2 ऑर्डर का मैंने आपको बताया, मेथड यही चलेगा, 3 into 3 है, 2 into 2 है, स्क्वेयर पे ही चलेंगे, स्क्वेयर मैट्रिक्स पे ही, तो ऐसे ही निकालोगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, वो देखिए बेटा, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए गिवन है और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी गिवन है। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या बताया था आपको, कि किसी का ट्रांसपोज करें सेम वही मैट्रिक्स आए, तो शो दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए, शो क्या करना है, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि इसका ट्रांसपोज करें वो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बता रखा है, क्या बताया था आपको स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं अगर वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब थोड़ा सा ध्यान देखो, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है बच्चों को, इस क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है बेटा, एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका वो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, वो दोनों के दोनों आपको सिमेट्रिक दे रखे हैं, यानी कि उसका ट्रांसपोज यही आएगा। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ए बी माइनस बी ए, जैसे मैंने अभी आपको पहले बता चुका हूं, मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक आंसर मैट्रिक्स में आता है तो उसका ट्रांसपोज वही आए, वही बात है, तो ए बी माइनस बी ए जो आता है उसका अगर हम ट्रांसपोज करें वो नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, हमें यही प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए बी माइनस बी ए का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो क्या आएगा, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि प्लस में हम ट्रांसपोज करें तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल आएगा। कल हमने इस एक्सरसाइज के बारे में, इस एक्सरसाइज के अंदर इनके बारे में डिस्कस किया था कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज करें या अलग अलग ट्रांसपोज करें सेम वही आता है, तो क्या आया, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। कल ही हमने ये भी किया था कि अगर दो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है अगर हम उनका ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज किया था हमने, वेरीफाई किया था वहाँ पे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, तो ये क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा बेटा, बी सॉरी आगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अभी अभी आपको गिवन था, ये बताया गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं ए आता है, बी ट्रांसपोज का बी, तो बी ट्रांसपोज का क्या आया बेटा, बी, ए ट्रांसपोज का क्या आया, ए, ए ट्रांसपोज का ए, बी ट्रांसपोज का बी। अब हमारे पास इन दोनों में राइट हैंड साइड में और इसमें वेरीफाई करो क्या है, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो क्या आया, ए बी माइनस बी इटसेल्फ आ गया कि नहीं आ गया, ए बी माइनस बी, तो सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आज का आपका काम था बेटा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट डे आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो आपने क्या किया घर पे बैठ के, कितना काम किया कितना नहीं किया, आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है तो मैंने आपका अपना नंबर दे रखा है और एक्सरसाइज आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दी जाती हैं। अभी मेरे पास कई बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमने एनसीईआरटी की बुक से किया, नहीं बेटा एनसीईआरटी नहीं, एलिमेंट्स की पीडीएफ भेजी जा रही है आपको, तो एनसीईआरटी की बुक में लिमिटेड क्वेश्चन है, एलिमेंट की बुक में काफ़ी क्वेश्चन है और मैथ्स हमारा जो सब्जेक्ट है जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतने ही हमें ज़्यादा आएंगे और मेथड को सीखा करो, मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो हैव ए नाइस डे बेटा, और अच्छी तैयारी करना और अच्छा बढ़िया वाला टेस्ट देना है आपने। थैंक यू।